पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से। भगवान की चंदन से, भक्त की पानी से। भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से। भगवान की घनबन से और भक्त की मोर से। भगवान की घनबन से और भक्त की मोर से। भगवान की घनबन से और भक्त की मोर से। भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। इसमें हमें याद करना है चंदन घनबन चांद, चंदन घनबन चांद, चंदन घनबन चांद। दीपक मोती सुहागे, दीपक मोती सुहागे, दीपक मोती सुहागे। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द की प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार है मोर चकोरा, मोर चकोरा, मोर चकोरा। बाती राती, बाती राती, बाती राती। धागा सुहागा, धागा सुहागा, धागा सुहागा। दासा रैदासा, दासा रैदासा, दासा रैदासा। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए, जैसे कि दीपक बाती। अन्य शब्द है दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा, चांद चकोर, चंदन पानी। दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा, चांद चकोर, चंदन पानी। दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा, चांद चकोर, चंदन पानी। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू ईश्वर को कहा है। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू ईश्वर को कहा है। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू ईश्वर को कहा है। ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं। सबके कष्ट हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, और भवसागर पार कराते हैं, और भवसागर पार कराते हैं, और भवसागर पार कराते हैं। ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं। ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं। ईश्वर गरीबों का उद्धार करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं। सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर पार कराते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर पार कराते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर पार कराते हैं। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वह जाति से चमार है। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वह जाति से चमार है। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वे जाति से चमार है। लेकिन समाज ने उन्हें संत की उपाधि से, लेकिन समाज ने उन्हें संत की उपाधि से, लेकिन समाज ने उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन समाज ने उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन समाज ने उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वह जाति से चमार है, लेकिन समाज में उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वह जाति से चमार है, लेकिन समाज में उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया। कवि एक छोटी जाति के व्यक्ति है, वे जाति से चमार है, लेकिन समाज में उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया। कवि का मानना है कि यह सब, कवि का मानना है कि यह सब, कवि का मानना है कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है, यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है, यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। कवि का मानना है कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है, कवि का मानना है कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है, कवि का मानना है कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है।
क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, वह दीनों पर दया करते हैं, वह दीनों पर दया करते हैं, वह दीनों पर दया करते हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, वह दीनों पर दया करते हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, वह दीनों पर दया करते हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, वह दीनों पर दया करते हैं। यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है, कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है, कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है। यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है। यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है। यह उसकी दीन दयालुपन का परिणाम है कि आज वह इस पद को प्राप्त कर पाया है। दूसरी पद की जाकी चोती जगत कौ लागे ताप पर तुम्ही धरई, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि लोग उन्हें अछूत मानते हैं, कवि कहते हैं कि लोग उन्हें अछूत मानते हैं, कवि कहते हैं कि लोग उन्हें अछूत मानते हैं, क्योंकि वे जाति से चमार है और इसके कारण वे ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, क्योंकि वे जाति से चमार है और इसके कारण वे ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, क्योंकि वे जाति से चमार है और इसके कारण वे ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन यह ईश्वर की ही कृपा है कि, लेकिन यह ईश्वर की ही कृपा है कि, लेकिन यह ईश्वर की ही कृपा है कि एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, लेकिन यह ईश्वर का ही कृपा है कि एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, लेकिन यह ईश्वर की ही कृपा है कि एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, लेकिन यह ईश्वर की ही कृपा है कि एक संत का महान पद प्राप्त कर चुका है, जिसके कारण जो अमीर लोग हैं, 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 वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं, वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं, वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं, उसे मानने लगे हैं, उसे मानने लगे हैं, उसे मानने लगे हैं, जिसके कारण जो भी अमीर लोग हैं वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं, इसे मानने लगे हैं, जिसके कारण जो अमीर लोग हैं वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं और उसे मानने लगे हैं, जिसके कारण जो भी अमीर लोग हैं वह भी इसके प्रति आसत हो गए हैं, उसे मानने लगे हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों, इस पंक्ति के आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों, इस पंक्ति के आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, इस पंक्ति के आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, इस पंक्ति के आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में सब कुछ है, किसी से डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, उनके हाथ में सब कुछ है, वे किसी से डरते नहीं है, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, उनके हाथ में सब कुछ है, वे किसी से डरते नहीं है, परंतु ईश्वर सर्वसमर्थ है, उनके हाथ में सब कुछ है, वे किसी से डरते नहीं है। कवि कहता है कि, कवि कहता है कि अगर संसार किसी को अछूत मानता है, कवि कहता है कि अगर संसार किसी को अछूत मानता है, कवि कहता है कि अगर संसार किसी को अछूत मानता है तो मानता रहे, कवि कहता है कि अगर संसार किसी को अछूत मानता है तो मानता रहे, कवि कहता है कि अगर संसार किसी को अछूत मानता है तो मानता रहे, ईश्वर समदर्शीय है, ईश्वर समदर्शीय है, ईश्वर समदर्शीय है, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं,
ईश्वर समदर्शी है, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं। ईश्वर समदर्शी है, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं। ईश्वर समदर्शी है, कोई भेदभाव ना करके गरीबों पर दया करते हैं। उनकी सहायता कर उनकी पीड़ा हरते हैं। उनकी सहायता कर उनकी पीड़ा हरते हैं। उनकी सहायता कर उनकी पीड़ा हरते हैं। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इनमें बनी हुई है, हमेशा इनमें बनी हुई है, हमेशा इनमें बनी हुई है। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इनमें बनी हुई है, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इनमें बनी हुई है, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इनमें बनी हुई है, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इनमें बनी हुई है। रायदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रायदास ने अपने स्वामी को लाल हरि प्रभु, लाल हरि प्रभु, लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु, लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु, लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु आदि नामों से पुकारा है। रायदास ने अपने स्वामी को लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु आदि नामों से पुकारा है। रायदास ने अपने स्वामी को लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु आदि नामों से पुकारा है। रायदास ने अपने स्वामी को लाल हरि प्रभु, गरीब नवाजू गुसैया गोबिंदु आदि नामों से पुकारा है। निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। मोरा मोर, चंद चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरे जले, राती रात, छत्रु छत्र, धरई धारण, धरई धारण, धरई धारण, चोती छु अचूत, तुम्ही तुम ही, गोसाइया गोसाई, जाकी अंग अंग बास समानी, बास बोले तो स्मेल, बास मीन्स स्मेल। यह पंक्ति पहले पद से ली गई है, यह पंक्ति पहले पद से ली गई है, यह पंक्ति पहले पद से ली गई है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार भक्त के तन मन में, उसी प्रकार भक्त के तन मन में, उसी प्रकार भक्त के तन मन में ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है, ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है, ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है, उसी प्रकार भक्त के तन मन में ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है, उसी प्रकार भक्त के तन मन में ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है, उसी प्रकार भक्त के तन मन में ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है। जैसे चितविद चंद चकोरा, इस पंक्ति का भाव यह है कि, इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस तरह चकोर पक्षी सदा, जिस तरह चकोर पक्षी सदा, जिस तरह चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, जिस तरह चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, जिस तरह चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, जिस तरह चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी बात ही मैं भक्त भी, उसी बात ही मैं भक्त भी, उसी बात ही मैं भक्त भी सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है, सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है, सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है, सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है, उसी भांति मैं भक्त भी सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, उसी भांति मैं भक्त भी सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, उसी भांति मैं भक्त भी सदा प्रभु का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि स्वयं को दिए की बाती, कवि स्वयं को दिए की बाती, कवि स्वयं को दिए की बाती
और ईश्वर को दीपक मानते हैं और ईश्वर को दीपक मानते हैं और ईश्वर को दीपक मानते हैं। कवि स्वयं को दिए की भांति और ईश्वर को दीपक मानते हैं। कवि स्वयं को दिए की भांति और ईश्वर को दीपक मानते हैं। कवि स्वयं को दिए की भांति और ईश्वर को दीपक मानते हैं। जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी, वैसे ही एक भक्त भी, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, सदा प्रज्वलित होता रहता है, सदा प्रज्वलित होता रहता है। दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। जैसे दीपक में भांति जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में दिन रात जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर से बढ़कर इस संसार में निम्न लोगों को सम्मान देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर से बढ़कर इस संसार में निम्न लोगों को सम्मान देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर से बढ़कर इस संसार में निम्न लोगों को सम्मान देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर से बढ़कर इस संसार में निम्न लोगों को सम्मान देने वाला कोई नहीं है। समाज के निम्न वर्ग को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। समाज के निम्न वर्ग को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। परंतु ईश्वर समदर्शी है। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। परंतु ईश्वर समदर्शी है, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। और अछूतों को समभाव से देखते हुए उच्च पद पर असीन करते हैं। निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है। वह नीच को भी ऊंचा बना लेता है। इस कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अच्युत होने के बाद भी
उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है, उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है, उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। अच्युत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है, अच्युत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है, अच्युत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को, प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को, प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी, निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी, निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है, उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है, उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। रायदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्द में लिखिए। पहले पद का केंद्रीय भाव, जब भक्त के हृदय में, जब भक्त के हृदय में, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, तब वह छूट नहीं सकता, तब वह छूट नहीं सकता, तब वह छूट नहीं सकता, तब वह छूट नहीं सकता। जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, तब वह छूट नहीं सकता, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, तब वह छूट नहीं सकता, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, तब वह छूट नहीं सकता। कवि ने भी प्रभु का नाम को, कवि ने भी प्रभु का नाम को, कवि ने भी प्रभु का नाम को अपना अंग अंग से समा लिया, अपना अंग अंग से समा लिया, अपना अंग अंग से समा लिया। कवि ने भी प्रभु का नाम को अपना अंग अंग से समा लिया, कवि ने भी प्रभु का नाम को अपना अंग अंग से समा लिया, कवि ने भी प्रभु का नाम को अपना अंग अंग से समा लिया। उन्होंने कई उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है, उन्होंने कई उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है, उन्होंने कई उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। भक्त और भगवान दो होते हुए भी मूलता एक ही है, भक्त और भगवान दो होते हुए भी मूलता एक ही है, भक्त और भगवान दो होते हुए भी मूलता एक ही है। उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है, उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है, उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है। इस प्रकार ईश्वर को महान और स्वयं को दास बताया गया है, इस प्रकार ईश्वर को महान और स्वयं को दास बताया गया है, इस प्रकार ईश्वर को महान और स्वयं को दास बताया गया है। दूसरे पद में प्रभु को गरीबों, दूसरे पद में प्रभु को गरीबों, दूसरे पद में प्रभु को गरीबों तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है, तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है, तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है। दूसरे पद में प्रभु को गरीबों तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है, दूसरे पद में प्रभु को गरीबों तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है, दूसरे पद में प्रभु को गरीबों तथा दीनों का उद्धारक कहा गया है। वे निडर है इसलिए वे अछूतों को भी, वे निडर है इसलिए वे अछूतों को भी, वे निडर है इसलिए वे अछूतों को भी समाज में सम्मानजनक पद दिलाते हैं, समाज में सम्मानजनक पद दिलाते हैं, समाज में सम्मानजनक पद दिलाते हैं तथा नीच को भी ऊंचा बनाते हैं, तथा नीच को भी ऊंचा बनाते हैं, तथा नीच को भी ऊंचा बनाते हैं। इस प्रकार प्रभु सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार प्रभु सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार प्रभु सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है।